हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको टेबल आने मस्ट है। ओके, यस। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज फोर, साम नंबर फर्स्ट। ठीक है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है 4787 डिवाइड बाय 9। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 4787 डिवाइड बाय 9। स्टूडेंट वी नो वेरी वेल कि हमने क्या करना है, इससे छोटी टर्म लगानी है। 9 का टेबल राइट कर लेते रफ काम में। देखो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 54, 63 और 72, 81, 90। ठीक है, इससे लेस दिस वन 59 या 45, 2, 8। ठीक है, 9, 3 जा 27, 1 7 as it is, 9 1 जा 9। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 17 में से 9 गए, करो माइनस, यस स्टूडेंट्स कितना आ गया, 8। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसको चेक करना है, वी हैव टू चेक। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास चेक करने के लिए क्या होता है, चेक करने के लिए हमने क्या करना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने चेक करना है, चेक कैसे करना है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, चेक करने के लिए हमने क्या करना है, 531 मल्टीप्लाई बाय 9, 927 टू 45 टू 47 प्लस कितना रिमाइंडर है, 8 प्लस कर दो, 7 1 कैरी 7 1 8 7 8। ये वाली टर्म डिविडेंड और ये दोनों क्या हुई, इक्वल आ गई। इट मींस कि और सम इज राइट। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू डू नेक्स्ट सम। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड सम कैसे करना है, सम नंबर 2, 2 कैसे करना है स्टूडेंट, ये देखो 2 दूसरा दी ओवर 1, 3, 8, 6, 5 डिवाइड बाय 6। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली हमने क्या करना है, डिवाइड करनी है 1, ठीक है 6, ये देखो इससे छोटी 6 2 जा 12, 1 8। ठीक है, 18 कंप्लीट, ऊपर से हमने यहाँ पे 6 डाला। ठीक है, 6 डाला, इट मीन्स कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 6 डाला, 6 1 जा 6, यस 5, 5 के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, 5 क्या हो गया, रिमाइंडर। अब हम करेंगे 6 0 का 0, तो 5 हमारा रिमाइंडर, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने चेक कैसे करना है, चेक के लिए हमने करना है, ये देखो इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला आपने सभी में राइट करना है। तो डिवाइजर कितना है हमारे पास, 6 2 3 1 0 प्लस 5। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा,
0, 6, 18, 1, 12, 1, 13 कितना आ गया 13860 प्लस 5 13865 इज आवर आंसर. दिस वन मैच कर रहा है इसके साथ. इट मीन्स कि आवर सम इज राइट. नाउ सम नंबर थर्ड. सम नंबर थर्ड कैसे करना है ये देखो स्टूडेंट्स. सम नंबर थर्ड थर्ड स्टूडेंट्स देखो कैसे करना है. 62817 डिवाइड बाय 9 ठीक है. 62817 डिवाइड बाय 9 का टेबल कब तक हमने करना है जब तक 62 से छोटी टर्म ना आ जाए ठीक है. तो हमें राइट कर लेना तरफ कम में देखो. Yes, 62 से लेस 54 6 पे आ गया 54 12 में से 4 गए 8 5 में 5 गए 0 8 हमने यहाँ पे लगाया. अब 90 देखो. Yes, 64 इसमें से 8 आ गए 8. अब हमने 88 से छोटा ये देखो बड़ा हो गया 88 9 9 81 7 1 लगाएंगे यहाँ पे ठीक है. अब 8 7 63 11 में से 8 तो हमने यहाँ पे क्या लगाया 7 यस यहाँ पे आ गया 87 तो 8 9 81 6 आ गया रिमाइंडर. चेक अगेन चेक कैसे करना है इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई और प्लस दिस वन हमने क्या करना है 69 79 मल्टीप्लाई 9 ठीक है. करो कितना आ जाएगा जो चेक है ठीक है. तो क्या आ जाएगा 9 9 81 8 63 63 के 64 65 66 67 68 69 70 71 7 कैरी ठीक है. 9 9 81 81 9 ठीक है. 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ठीक है. और साथ में रिमाइंडर कर दो ऐड 71 9 26 ठीक है. ये हमारा सम ठीक है. ये देखो इसके इक्वल आ गया ठीक है. इट मीन्स कि आवर सम इज राइट. स्टूडेंट्स सिमिलरली आपने 4 करना है 5 करना है 6 करना है 7 मैं आपको करवा देती हूँ. ठीक है 7 मैं आपको करवा देती हूँ. 7 सम नंबर 7 देखो 40 287 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 21 यस 42 87 21 21 to the 42 ठीक है. 0 8 0 के साथ बच्चे ये देखो 8 है इससे छोटा है. इट मीन्स कि हमने क्या करना है 0 के साथ कर देना तो 0 आ जाएगा ठीक है. 8 फिर नीचे आया ऊपर से हमने 7 अब 21 को 4 के साथ करके देखो 84 4 के साथ हमारा आया 84 एंड 31 इज आवर रिमाइंडर. ये हमारा क्वेश्चन ठीक है. अब हमने चेक करना है. चेक करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो 204 मल्टीप्लाई बाय 21 402 804 4824 प्लस 3 ठीक है. इसको रिमाइंडर को क्या करना होता है प्लस 7 8 2 4 ठीक है. ये वाला और ये वाला दोनों डिविडेंड हमारे आ गए हैं इक्वल. इट मीन्स कि आवर सम इज राइट. स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सम समझ आ रहे हैं. अंडरस्टैंड करके आपने खुद करने की कोशिश करनी है क्योंकि एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि बुक वाले सम आएंगे
इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है? 6 डिवाइड बाय 38, 6 38, ठीक है स्टूडेंट? ये देखो आपने क्या करना है, देखो आपने टेबल आपको आने बड़े ही जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको टेबल आने बहुत जरूरी है। इसमें क्या करना है, हमने इसमें देखना है कि 38 का टेबल राइट करना है, रफ कम में राइट कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है? आपने 38 का टेबल क्या करना है, राइट करके फिर आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। यस, अब हम देखते हैं 38 1 38, क्योंकि 38 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 86 हो गया, ठीक है? इसलिए हमने 1 के साथ ही लिखाना है, 6 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ठीक है? सॉरी बच्चे, 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो आपने 16 में से 8 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 28 आ गया। अब यहाँ पे लगाओ 6, ठीक है? 6 लगाओगे तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला टेबल देखो 2 के साथ, फिर 3 के साथ करके देखो, फिर 4 के साथ करके देखो, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के। हम करते हैं 8 6, ठीक है? 38 को किया हमने 7 के साथ, 56 21 26, ये इसके नीचे सूट करेगा, 7 के साथ जाएगा 2 6 6, ठीक है? 6 में से 6 गए 0, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 2 गए 0, ठीक है? अब हमने क्या लगाना है, नेक्स्ट 6 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? अब आप करो इसे 5 के साथ करके देख लेते हैं, 38 5 8 4 90, 6 के साथ, 6 के साथ बढ़ जाएगा, सो हमने क्या करना है, 5 के साथ करना है 190, ठीक है? 6 10 में से लाएंगे 1, ठीक है? अब नेक्स्ट 6 नीचे राइट किया, अब करो आप मल्टीप्लाई इसको 38 को 4 के साथ करके देखते हैं, 32 3 12 3 15 152, ठीक है? 4 के साथ आ गया 152 4 1 14, ये हमारा हो गया रिमेंडर, ये क्वेश्चन। अब हमने करना है चेक, कैसे करना है, चेक के लिए क्या करना है, हमने क्वेश्चन को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है? 1754 मल्टीप्लाई बाय 38, ठीक है? 32 3 कैरी, 40 43 4 कैरी, 56 66 कैरी, 8 6 14, ठीक है? 12 1 कैरी, 15 116 1 कैरी, 21 122 2 कैरी, 3 2 5 2 5 6 6 6, ठीक है? अब 14 इसमें ऐड कर दो, 6 6 6 6 6, दिस वन आवर चेकिंग इज, आवर चेकिंग इज राइट, ठीक है स्टूडेंट? इसी प्रकार आपने डिवाइड की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बच्चे जो सम आपको समझ नहीं आए, आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।